खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। मगनपुर पंचायत सचिवालय में बैंक ऑफ इंडिया मगनपुर शाखा के द्वारा लगाया गया लोक अदालत। एनपीए खाता धारकों को ऋण चुकाने का दिया गया छूट। गोला प्रखंड क्षेत्र के मगनपुर पंचायत सचिवालय में बैंक ऑफ इंडिया मगनपुर शाखा के द्वारा लोक अदालत शिविर लगाया गया, जिसमें शाखा के बैंक कर्मी व अधिकारी शामिल हुए। शिविर में कुल एनपीए खाता धारकों से आसान शर्तों के साथ एक मुश्त राशि लेकर उसका निपटारा किया गया, जिसमें कुल 6 लाख राशि की प्राप्ति हुई। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने कहा कि आज के शिविर में पहुंचे किसानों को ईकेवाईसी किया गया, साथ ही कई किसानों की ऋण माफी भी की गई। वहीं स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन प्रदीप कुमार चौरसिया ने कहा कि आज के शिविर में बैंक कर्मियों के सहभागिता से एनपीए खाताधारकों के खाते को ऋण समझौता करते हुए उससे बंद कर दिया गया। आज के शिविर में 6 लाख रुपए जमा हुए, लोगों को इसमें छूट दी गई, जिससे किसान काफी खुश नजर आए। वहीं सदस्य अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया मगनपुर शाखा के अंतर्गत जितने भी लोगों का खाता खराब हो चुका था, उसको यहां समझौता के तहत कम से कम राशि में उनके साथ समझौता करते हुए उनके खाते को बंद कर दिया गया। वहीं पंचायत के मुखिया नरुल्ला अंसारी ने कहा कि जनता के लिए बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो लोक अदालत रखा गया है, जिसमें बैंक ने काफी राहत देते हुए लोगों के साथ समझौता किया है, जो धन्यवाद के पात्र है। मौके पर प्रदीप कुमार चौरसिया अध्यक्ष लोक अदालत, सदस्य वीव देवठान बैठा, अरुण कुमार गुप्ता, एलडीएम संजीव कुमार, शाखा प्रबंधक मनोज कुमार, ऋण अधिकारी संतोष कुमार, फ्रांसिस जेवियर, इंद्रनाथ महतो, हितेश कुमार, बैंक बीसी अशफाक अहमद, सरस्वती देवी, इस्तियार आलम, मुकुंद महतो, इजराउल हक, ब्रह्मदेव महतो, महेंद्र कुमार, अंदुराम महतो, मोबिन अंसारी, पंचायत के मुखिया नरुल्ला अंसारी, उप मुखिया अकबर अंसारी के साथ कई लोग मौजूद थे। रामगढ़ गोला से दिलीप करमाली की रिपोर्ट। देखिए, नालसा के अंतर्गत अस्थाई लोक अदालत की स्थापना की गई है, जो प्रत्येक जिला में कार्यरत है पूरे देश में। इसका उद्देश्य है जो लिटिगेटेड प्री लिटिगेटेड स्टेज में जो भी केसेस हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के उस तरह के केसेज का निष्पादन समझौता के द्वारा किया जाता है। हम सभी, हमारे अध्यक्ष साहब पीके चौरसिया, सदस्य देवठान बैठा जी, मैं अरुण कुमार गुप्ता, अस्थाई लोक अदालत रामगढ़ से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का उद्देश्य था बैंक ऑफ इंडिया मगनपुर शाखा से जो लोग लोन लेकर लोन नहीं चुका पाए थे, जिन पर अस्थाई लोक अदालत में केस है या कहीं और केस लगा हुआ है या केस नहीं भी किया हुआ है, जिनके खाते खराब हो चुके हैं, उनको बैंक के स्कीम के तहत अधिक से अधिक छूट देकर उनको ऋणमुक्त किया जाने का प्रयास रहा। आज का कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा, यहाँ के मुखिया जी का भी काफी सहयोग रहा, शाखा प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक और हमारे बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक से हर्ष कुमार जी वगैरह आए हुए हैं, लोगों को समझाकर अच्छी संख्या में लोगों को यहाँ उपस्थित कराए। और अभी तक का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है, उसमें लगभग 70 लोगों का जो लोन खराब हो चुके थे, एनपीए हो चुके थे, उनके खाते समझौता में बंद हुए। ऋण माफ करने का हम लोग बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मगनपुर शाखा के सहयोग से एक कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत सारे किसानों का ईकेवाईसी और जो है वो साथ साथ जो है वो ऋण माफी का भी कार्यक्रम किया गया। इसमें हम लोगों को रामगढ़ के पीएलए के चेयरमैन और के डायरेक्टर जो उपस्थित रहे, उनका हमें सहयोग हमेशा से मिलता रहा और बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ 100 से अधिक किसानों का जो है ऋण का जो है। आज का जो था किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जितने भी हमारे किसान भाइयों हैं, उनको समझौता के तहत बंद किया गया, और बंद करने के लिए हमारा अस्थाई लोक अदालत के चेयरमैन श्रीमान प्रदीप कुमार चौरसिया, सदस्य अरुण कुमार गुप्ता और देवखान मेहता ने सहयोग किया, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ऊपर कैश का डिपॉजिट हुआ और मैक्सिमम कई किसानों का समझौता के तहत खाता बंद किया गया। आए थे हम लोग के जानकारी लाए थे, समझने के लिए आए। कब लोन लिए थे आप? अभी आप आए तो लोन का पैसा चुकाए हैं? भर दिए। सिर्फ पूछताछ किए हैं?
आपने 2012 में लोन लिया था, आज तक पूछताछ करते रहे, कब चुकाइएगा लोन? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और जनता के द्वारा और बैंक ऑफ इंडिया मगनपुर शाखा के द्वारा जो जनता के लिए लोक अदालत लगाया गया था, उस लोक अदालत में हम अपनी तमाम जनताओं को लोन के द्वारा जो स्थिति से अवगत है, जो आदमी परेशानी हाल में है, वो जनता में समाधान करने की कोशिश किया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि फिर दोबारा लगे लोक अदालत जिसमें जनता का काम हो, और इसमें हम लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।